Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So yes, हमने काफ़ी कुछ कर लिया है and मुझे पता है videos बनाने में थोड़ा delay हो रहा है but I'm trying my level best to make more and more videos day by day. ठीक है, अब हमने पिछली बारी किया था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सेकेंड पार्ट इंग्लिश में, ये पार्ट हिंदी में होगा. तो एग्जैक्टली अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या किया है मैं आपको उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ. देखिए, वी स्टार्टेड विथ वॉट इज ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, ये हमने पिछली बारी बहुत अच्छे से समझ लिया था. आज हम माइक्रो और मैक्रो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये करेंगे. ठीक है, सो हमने पिछली बारी किया था ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और अब हम करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस. राइट, अगर आपको यही क्लास या यही टॉपिक इंग्लिश में देखना है तो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में अपलोड कर चुकी हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं. एंड अगर आपको नहीं पता, दिस इज माई यूट्यूब चैनल और आप यूट्यूब से मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा. अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फेसबुक का लिंक है, आप उसको ओपन करेंगे तो मेरा फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा. जस्ट गिव इट अ सेकेंड, वो लोड हो रहा है. येस, दिस इज़ माई फेसबुक पेज. राइट, अब अगर यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम पेज लोड हो जाएगा. फिर ट्विटर एंड टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप अपडेट्स के लिए है. एंड अनअकैडमी, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं. और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए जिससे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप अबाउट में जा सकते हैं. राइट, और नीचे एकदम नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ये मोबाइल में भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप में भी. यहाँ पर आपको नोट्स ग्रुप टेलीग्राम दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है. तो ये रहा मेरा फेसबुक पेज, ये रहा मेरा ट्विटर पेज, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पेज, दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप एंड दिस इज़ द अनअकैडमी प्रोफाइल ऑफ माइन, एज वेल एज लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पर नहीं है. आई वुड अटैच इन फ्यूचर ताकि आप लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकें. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट अपडेट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो सबसे पहले हम इसमें आगे बढ़ते हैं. द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे, वन सेकेंड. द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टू व्यू पॉइंट्स, ये है माइक्रो पर्सपेक्टिव और मैक्रो पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो दो पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, माइक्रो और मैक्रो. अब हम एक एक को देखेंगे कि माइक्रो में क्या होता है और मैक्रो में क्या होता है. द माइक्रो पर्सपेक्टिव और द मैक्रो एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर लास्ट में मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ से प्लीज़ आप देखिएगा. द माइक्रो एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द माइक्रो पर्सपेक्टिव मीन्स डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग एज ईच ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका मतलब हर एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हर एक ह्यूमन दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है. ठीक है, इसके बाद द माइक्रो पर्सपेक्टिव डील्स विथ पर्सनैलिटी, ये वो सारे टॉपिक्स है जिसमें वो डील करता है, पर्सनैलिटी पे डील करता है. राइट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस. पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव, इन सब पे ये ज़्यादातर डील करता है. ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बींग हु आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का. द माइक्रो पर्सपेक्टिव फर्दर स्टडीज द डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स, ट्रेड मीन्स वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज ऑफ द डिफरेंट मेम्बर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट स्टडीज दैट हाउ ईच इंडिविजुअल बिहेवियर डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस. इसका मतलब माइक्रो पर्सपेक्टिव में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक तरीके से अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या एक तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को समझना, हियर इज माइक्रो एनालिसिस. ओके, सो वॉट काइंड ऑफ सिचुएशन मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल
and enhances their learning in the new condition. The macro analysis also deals with leader and studies. The leadership traits of a person who leads the whole organization. The leader is the person who keeps control upon individual through rules, norms and procedures. The desired behavior to the micro perspective along with the analysis of the behavior of the organizational members also studies the type of leadership required of the organization. Thus, the micro analysis of the organization and the human behavior involved in it has given rise to new stream of the study of organization which is known as organizational behavior. तो exactly पूरे पैरा में कहना क्या चाहता है वो समझने की कोशिश करते हैं. ये पूरे पैरा में ये कहना चाहता है कि जो भी organization है, right? Organization में जब हम deal करते हैं या जब हम समझते हैं कि हम माइन्यूट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम एक एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक पर्सन लीडर कैसे बन सकता है, दैट इज कॉल्ड यू कैन से माइक्रो एनालिसिस, राइट? कि एक पर्सन लीडर कैसे बनता है, लीडर बाकी सारे पर्सन को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, राइट? तो इंडिविजुअल की स्टडी मैं आराम से बोल सकती हूँ वो है माइक्रो पर्सपेक्टिव. अब यस, मैक्रो एनालिसिस देखते हैं कि मैक्रो मीन्स लार्ज. अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा होगा तो आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज होगी कि लार्ज स्टडी क्या होता है, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. द मैक्रो एनालिसिस ऑन द अदर हैंड इज डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. माइक्रो इंडिविजुअल डील करता है, राइट? वेयर एज मैक्रो डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. एक पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को हम एक बार एक साथ स्टडी करते हैं तो हम उसे मैक्रो एनालिसिस कहते हैं, ठीक है? द मैक्रो एनालिसिस डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ डील करता है और स्ट्रक्चर में तो सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, करेक्ट? And its goals, the technologies, the strategies used for the fulfillment of the goals, planning, achieving the goals, etc. This macro analysis also studies, मैं एक बार स्क्रोल कर रही हूँ, also studies the environmental influences, कि क्या environment होता है या किस तरह का environment influence करेगा organization को. This studies that how the environment influences the behavior of each human being of the organization and thus this macro analysis of the organization and its studies have given rise to simultaneous field known as organizational theory. तो प्लीज़ याद रखिए, इसमें से दो चीज़ें, दो निष्कर्ष निकल कर आए हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की स्टडी है जहाँ पर हम लोग एक पर्सन के एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रेड्स, पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं. वेयर एज मैक्रो पर्स्पेक्टिव में हम ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को स्टडी करते हैं जहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रैटेजीज, उसके गोल्स, वो लोग सब मिलके वो गोल्स कैसे अचीव करेंगे, वो प्रोसीजर्स की स्टडी करते हैं और इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी. ये उन दोनों का सटीक डिफरेंस मैंने आपको एग्जैक्ट में बताया, ठीक है? अब एग्जैक्टली यही चीज इस पेज में लिखी हुई है. एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हमने किया माइक्रो लेवल पे, माइक्रो व्यू पॉइंट पे, माइक्रो पर्सपेक्टिव पे, एंड मैक्रो लेवल पे, मैक्रो व्यू पॉइंट पे और मैक्रो पर्सपेक्टिव पे. माइक्रो इंडिविजुअल होता है, मैक्रो एज अ होल, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल होता है. माइक्रो में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, इंटरपर्सनल एक्सेट्रा. जबकि मैक्रो में हम लोग डील करते हैं विथ स्ट्रक्चर, गोल्स, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा. अब माइक्रो एनवायरनमेंट से, या माइक्रो एनवायरनमेंट नहीं बोल सकती, माइक्रो पर्सपेक्टिव से निकला है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव से निकला है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, राइट? ओके, आज के लिए इतना ही. अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तब हम इसके आगे वाले टॉपिक्स करेंगे एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस फर्दर. सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो.